होता है उनको ये पूछना चाहिए कि लाडली बहनी योजना को उन्होंने क्या काउंटर किया, कोई काउंटर दिखा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल है कि 2014 के बाद महाराष्ट्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ एक वातावरण था, वो लोकसभा में काम आया, लेकिन वो जो वातावरण ये विधानसभा में आ सकता है क्या? नहीं। अभी अपडेट ये है कि जो मैंने बताया था नासिक से महायुति जो है वो आगे चल रहे हैं, वहाँ बारामती में जो है वो अजित पवार पोस्टल बैलेट पे पीछे पड़ गए, लेकिन सबसे कांटे की टक्कर यानी सबसे लड़ाई अगर देखी जाए तो वो है आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे और शरद पवार, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ठाकरे परिवार और पवार परिवार की इर्द गिर्द घूमती रही है। जैसे बहुत बार ये कहा गया कि मराठा राजनीति जो है वो शरद पवार ने अपने हाथ में रखी थी, पिछले कांग्रेस से लेकर फिर कांग्रेस छोड़कर वो पुलोत बनाया, उसके बाद पुलोत के बाद फिर कांग्रेस में जुड़ गए 84 में राजीव गांधी के साथ। वो जो राजनीति है आप देखेंगे तो पवार की राजनीति अभी भी कायम है। ये पवार की राजनीति योगेंद्र पवार और रोहित पवार के हाथ में देना चाहते हैं। सुप्रिया सुले का नाम लोकसभा में था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में रोहित पवार को प्रमोट करने का काम शरद पवार कर रहे हैं अजित पवार के खिलाफ। आदित्य ठाकरे इस वक्त बहुत ही अलग मोड में है। इसका एक थोड़े एक ही तीसरी सेकंड में खत्म करता हूं कि आदित्य ठाकरे ये कितना चलेंगे ये तय करेगा वर्ली विधानसभा। इसका कारण ये है कि वर्ली विधानसभा ये मराठी बेल्ट है, वहां मिक्स जो कम्युनिटी है उसको अगर देखेंगे आदित्य ठाकरे अच्छा नहीं देखिए ऐसी बात है कि इस बारी ये बात फैक्ट है कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा, आरएसएस ने जिस तरीके से ग्राउंड में काम किया, वो चीज़ लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल अलग थी। और विलास का ये कहना है बिल्कुल ठीक कि कांग्रेस को जिस तरीके से फाइट करना चाहिए था उस तरीके से कांग्रेस ने फाइट नहीं करा, और विद इन इंडी अलायंस भी कांग्रेस के जिस तरीके के नंबर हैं वो नंबर जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं है। लोकसभा में अगर आप देखें तो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस थी, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ वो यहाँ वैसी चीज़ नहीं है। और अगर हम जो इनका एमवीए की अगर हम बात करें तो एमवीए में जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था कि जितनी सीटों में कि कांग्रेस को 102 सीट मिली और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को 96 सीट्स मिली, तो दोनों को करीब करीब इक्वल सीट्स मिली। और अब रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि कांग्रेस की वहाँ प्रेजेंस उद्धव ठाकरे से कहीं ज़्यादा ऊपर थी। तो मेरे को लगता है कि एमवीए में जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक बारी उस पर भी क्वेश्चन उठेगा अगर रिजल्ट ऐसे ही होते हैं तो। ठीक है, नहीं इसमें एक चीज होगी कि स्ट्राइक रेट मुमकिन है कि कांग्रेस का कम हो, लेकिन इसमें देखा यह जाता है कि ऐसे जब कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ट्रांसफरेबिलिटी किसके वोट्स किसको कितने ट्रांसफर हुए। तो कांग्रेस के वोट अगर उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर हो रहे हैं
तो ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के वोट उसी रफ्तार से कांग्रेस को ना हो रहे हो, यह भी देखने की जरूरत है कि क्या वाकई, क्योंकि उद्धव ठाकरे का एक कमिटेड वोटर है बिल्कुल, लेकिन क्या वो कांग्रेस में शिफ्ट करेगा या ये कहीं उधर तो नहीं चला जाएगा, ये एकनाथ शिंदे के साथ तो नहीं चला जाएगा। जैसा हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि एकनाथ शिंदे को लगभग 13% वोट मिले। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हिमांशु भी हैं। अभिलाष सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, महाराष्ट्र में सबसे दिलचस्प मुकाबला आपको किस सीट पर नजर आ रहा है सर, बारामती अजीत पवार या वर्ली आदित्य ठाकरे? निश्चित रूप से बारामती का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में भी हमने देखा था कि पवार वर्सेस पवार हुआ था, तो मुझे लगता है अभी भी बारामती के चुनाव पर सारे लोगों की नज़र है, उसी से पता लगेगा कि अजीत पवार का भविष्य क्या निर्धारित हो रहा है। निश्चित रूप से अजीत पवार यदि जीतते हैं तो वापस उप मुख्यमंत्री की दौड़ में वापस आगे आ जाएंगे, लेकिन यदि नहीं होता है तो NCP का जो टूटा हुआ फैक्शन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि यदि अजीत पवार जो उनके नेता है वो ही बारामती से नहीं जीत पा रहे हैं तो ये शरद पवार की बहुत बड़ी जीत होगी। निश्चित रूप से आदित्य ठाकरे का भी चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बारामती का चुनाव जो है वो बहुत बहुत कशमकशपूर्ण है और उसके रिजल्ट के ऊपर पूरे देश की नजरें लगी हुई है। शरद पवार ने तो सर हमने बीच में देखा कि वो एक इमोशनल दांव भी खेल दिया उन्होंने, वो संन्यास का जिस तरीके से ऐलान किया, आपको लग रहा है कि उसका भी असर कहीं यहाँ दिखाई देगा? शरद पवार की उस एज को देखिए और शरद पवार का वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी एक लंबे जमाने तक रहा है और आज भी है, तो ऐसे में जब इस तरह की अपील करते हैं कि आखिरी है और वगैरह वगैरह, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे जैसा संजीव ने कहा, लेकिन ये बात सही है कि ये इमोशनल अपील करेगी और अजीत पवार से लोग शिफ्ट होंगे कि नहीं अब ये तो आखिरी है, साहब को ही वोट देते हैं, तो हमें लगता है ये अपील बड़े टाइमली की है और ये इसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हिमानी डॉक्टर हिमांशु हैं BJP से और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमानी बिल्कुल, डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हिमांशु, जिस तरह से अभी हम टैली देख रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि वापसी आप, हालांकि ये रुझान है अभी जो सामने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें झारखंड तो वहाँ की टैली भी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कहाँ तक ये टैली जाएगी आपके लिए? जी, हमारा तो ये पूरा मानना है कि दोनों जगह दोनों राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमत से अकेले की भाजपा की सरकार आने वाली है, ये मेरा पूरा अनुमान है, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं वो आज तक पूरे किए हैं, जो हमारी विचारधारा है वो अभी तक पूरी पूरी रूप से मानी गई है, हमने आज पहली बार ऐसा हुआ है जो हिंदू है वो एक हुआ है, सेफ हुआ है, नेक रहा है, और इसी के लिए और महाविकास अगाड़ी को जो है वोट इसलिए नहीं मिले हैं, लेकिन आपके सहयोगियों ने खुद ही कहा है कि ना किसी काम पे आ पाए हैं ना किसी जो वादे किए, लेकिन आपके खुद ही के सहयोगियों ने कहा है कि ये वहां नहीं चलता। नहीं, हमारे सहयोगियों ने तो ऐसे कह देखिए जहाँ गठबंधन होता है वहाँ थोड़ी नोकझोंक तो रहती है, पर आप दूसरों का गठबंधन देखिए, एक तरफ आप कहते हैं शिवसेना का पूरा नाम क्या है, शिव की सेना, जिनके महान हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि हम पहले थे जिन्होंने ढांचे पे के तरफ गए थे, दूसरी तरफ उनके साथी हैं SP क्या है जिन्होंने गोलियां चलवाईं, तीसरे क्या है INC जो कहते हैं राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और चौथे इनके पार्टनर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो किसी को मानती ही नहीं है, जो कहती है कि हम भारत की न्यूक्लियर वेपन भी गिरा देंगे, और इन्हीं के खड़गे जी जाके बोलते हैं कि ये जो वादे करते हो जब निभा नहीं पाते हो, तो स्टेज पे कर्नाटक में बोला है कि वादे जो करते हो निभा नहीं पाते हो, सो यही है कि जनता आप जो कांग्रेस का दोगलापन जो है पहचान गई है, जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता भी आजकल जो है परेशान है, तो इसीलिए महाविनाश अगाड़ी को जो है वोट नहीं मिल रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र और झारखंड की जनता ने जो है महायुति और NDA गठबंधन को ही अपना पूर्ण बहुमत देने का जो है चुन लिया है। जुड़ी हुई है अनुमा आचार्य जी, आप रिएक्ट इस पर करना चाहेंगे और आपको महाविकास नहीं बल्कि महाविनाश अगाड़ी बोल रहे हैं वो? देखिए नमस्कार, पहली चीज तो यह है कि जिस देश में इनके लीडर जो हैं प्रधानमंत्री जी उनकी भाषा फूहड़ है तो इनकी भाषा पे क्या ही कहना चाहिए, इनको कुछ भी कहने का जो है आदतें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, पूरे देश में डिस्कोर्स इन्होंने सबसे नीचे किया है,
और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि महाराष्ट्र में ही इनकी सरकार के रहते रहते शिक्षा जो है सरकारी स्कूल 6% कम हो गए हैं, 6000 से ज़्यादा स्कूल कम हुए हैं और 73% प्राइवेट स्कूल बढ़ गए हैं, यानी कि एक तरह से ये शिक्षा का स्तर कम करते जा रहे हैं, वो उनकी भाषा में आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि महाराष्ट्र की जनता जो बात कर रही थी, महाराष्ट्र की जनता का जो रुझान है वो महाविकास अघाड़ी की तरह है। हम इनको उटपटांग चीज़ें नहीं कह सकते क्योंकि हम कहना भी नहीं चाहते, हमारी भाषा वैसी नहीं है, लेकिन ये चुनाव जो है ये अगर आपने ग्राउंड पर देखे हो तो एक चीज़ बहुत साफ है, महिलाओं ने जिनको ये कहा गया कि आपको लड़की बहन योजना का लड़की बहन का फ़ायदा मिल रहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। एक महिला को मैंने सुना, उन्होंने कहा हमें सोयाबीन के दाम नहीं मिले। यही हाल दूसरे राज्यों में है जो बीजेपी शासित है। इन्होंने 5-5 घोषणाएं की थी। मध्य प्रदेश में कहा था 450 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, हम 3100 रुपये धान का मूल्य देंगे, 2700 रुपये गेहूँ का मूल्य देंगे। कुछ भी नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, सिवाय भ्रम के, सिवाय झूठ के, सिवाय पूरी तरह से सिस्टम को कंट्रोल करने के करती क्या है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अनुमान जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, इस वक्त जो टैली है वो आप भी देख रही हैं, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, हालात बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन 144 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी बहुमत से सिर्फ एक सीट पीछे शुरुआती रुझान में एनडीए नजर आ रहा है। 288 में से 144 सीटों पर एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन 107 या 108 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी एक बड़ा फासला और बहुमत के बेहद करीब शुरुआती रुझान में एनडीए पहुंच चुका है। अनुमा जी, आपको लगता है कि ये कोई अचरज की बात है? आपको लगता है ये कोई अचरज की बात है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आखिरी दिन 20 तारीख को रात को 11 बजे चुनाव आयोग जो एक परसेंटेज देता है कि अभी 65% वोटिंग हुई है, और उसके बाद वो दूसरे दिन तीसरे दिन वो आंकड़ा बदल देता है, लगभग 1,00,000 वोट का फर्क आ जाता है। तो आपको अगर ये लगता हो कि हम लोकतंत्र के चुनाव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो फिर तो अगर चुनाव आयोग की भूमिका ही संदिग्ध है, तो ये बेहतर ना हो कि एक दो चुनाव लड़ने से आप अलग हट जाएं, आप बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? ये तर्क हो सकता है, ये दलील हो सकती है कि चुनाव आयोग जो संस्था चुनाव करवा रही है, चुनाव आयोग से लड़िए, आपको तो चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ना चाहिए। फिर अभी तो ये शुरू के ट्रेंड है, रुझान है भाई, बहुत ही ये एक बहुत हल्की दलील है। इस देश की संस्थाएं जो हैं वो संस्थाओं को अपने काम करने पड़ेंगे। लेकिन अनुमा जी, आप जिस तरह से कह रही हैं ना, उस तरह से लग रहा है आपने अभी से हार मान ली। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़े, और अगर अभी टैली बदल जाए, अभी 145 पर इंडिया गठबंधन आ गया, बात कह रही हूँ चुनाव आयोग से ही होगा की बात नहीं है। देखिए आप सारे के सारे पिल मत पढ़िए, नहीं नहीं कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप अनुमा जी, हम तो तर्क रख रहे हैं, आपको मालूम है हम तो तर्क रख रहे हैं उस बात पर जो आपने रखा, आपने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल, पता नहीं आपके सारे के सारे तर्क तो मुझे, देखिए मैं कोई आपके पास ये तथ्य है, तर्क मत रखिए, तथ्य है आपके पास कि अगर 20 तारीख की रात को 11 बजे 1% था तो वो बाद में बढ़ा कैसे? ये तथ्य इस वक्त दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बहुमत हासिल कर चुका है शुरुआती रुझान में एनडीए। आप इतना गुस्सा क्यों रही हैं सुबह सुबह, इतना नाराज क्यों? और अभी तो 9 बजे हैं, टैली बदल सकती है, आप अभी से क्यों पूर्वानुमान के आधार पर नतीजों पर पहुंच रहे हैं? इसी पर वायनाड का भी आना है। मेरे चेहरे पर गुस्सा तो नहीं दिख रहा है, आपकी टोन में दिख रहा है, लेकिन ये एक तरीका होता है कि आप किसी को बोले आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं भी बोलूं आप क्यों बौखला रही हैं, आप इतनी परेशान क्यों हैं, आप मेरे ऊपर पूरी तरह से टूट क्यों पड़ रही हैं? मेरे लिए परेशान होने की कोई वजह नहीं है अनुमा जी, जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर हिमांशु कुछ कहना चाहे, अनुमा जी सुन लेते हैं। 20 तारीख रात को डॉक्टर हिमांशु, लग रहा है ऐसा कि आप देखिए मैडम, इतना तेज सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते मैडम, बीपी बढ़ जाता है।